नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं प्याज का पकौड़ा लेकर आई हूँ। प्याज के पकौड़े तो सभी बनाते हैं बेसन में, लेकिन आज मैं लाई हूँ मसूर के दाल के साथ। ये मैंने अपने बंगाली फ्रेंड के घर खाया था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसे वो प्याजी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है दो से तीन प्याज बारीक कटे हुए, हरी मिर्च कटी हुई, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, अगर आप तीखा खाते हैं ज्यादा रखिए, तीखा नहीं खाते तो कम रखिए, हल्दी, काली मिर्च और जीरा, नमक स्वाद अनुसार। दो चीजें ऐसी हैं जो दोस्तों अपने स्वाद अनुसार रखना चाहिए, नमक और मिर्च। और चाहिए मसूर की दाल। अब मैं इसे पीस लेती हूँ और पीस के एक महीन सा पेस्ट बनाती हूँ। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। और जब तक ये पीस रहा है, और चाहिए चावल का आटा, ये मैं भूल गई थी दोस्तों, इसको थोड़ा करारा करने के लिए ये मुझे दो से तीन चम्मच चाहिए। तब तक मैं इन प्याज के साथ इन सबको अच्छी तरह मसलते हुए मिक्स कर लेती हूँ, और मैं ये दाल पीसती हूँ, तब तक इसको मसल भी लेती हूँ सभी मसालों के साथ इसी बर्तन में। तो चलिए मसल लेते हैं इसे और मिक्स करते हैं इसको अच्छी तरह दोस्तों, इस तरह से क्रश करते हुए हमें, ताकि इसके जो पार्ट्स है वो अलग अलग हो जाएं। ये देखिए इस तरीके से मसलना है कस के हाथों से। तो चलिए दोस्तों इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको पीस लिया और इधर मैंने इन सबको एक साथ मिक्स कर दिया है प्याज के साथ। हाथ को धो लीजिएगा दोस्तों, अगर ग्लव्स पहनते हैं तो पहनिए, पर हाथों से ज्यादा अच्छा होता है मैश करना। आप हाथ को अच्छी तरह साबुन से धो के फिर इसको मिक्स करिए। और अब मैं इसमें डालूंगी एक एक करके सभी चीज, यानी चावल का आटा, मसूर का दाल। दोस्तों आप इसे सरसों तेल में बनाइए या रिफाइंड ऑयल में, आपकी इच्छा पे है, बट इसका स्वाद सरसों तेल में ज्यादा अच्छा है। तो चलिए इन सबको एक साथ मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें मैं दाल भी मिला लेती हूँ, चावल का आटा मिला लिया तो ज्यादा, ये देखिए अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। तो ये दोस्तों मैंने मिक्स कर लिया है, वो बर्तन छोटा पड़ रहा था, मैंने दूसरे में ट्रांसफर किया। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा लेके इसको बनाऊंगी। चलिए चेक करते हैं तेल गरम हुआ है कि नहीं हुआ। तो दोस्तों जी हाँ, तेल गरम हो गया। और अब मैं एक एक करके इसमें पकौड़े डालूंगी। दोस्तों इस तरीके से चट्टा करते हुए इसे डालेंगे और इसको दोनों तरफ सेक लेंगे। तो दोस्तों एक बार जरूर इस दाल में बना के खाइए प्याज के पकौड़े, और फिर देखिए इसका स्वाद बेसन के पकौड़ों से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए इसी तरह बना लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको, क्योंकि जल्दी नहीं उलटना है, जब एक तरफ थोड़ा सुनहरा हो जाए तब उलटना है। तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। जब आप इस तरीके से लगाएं और हमारा ये आसानी से खिसक जाए पकौड़े, तो समझिएगा कि हमारे पकौड़े उलटने के लिए तैयार है। तो ये देखिए चलिए दोनों तरफ से सेक लेते हैं और इसी तरह और भी पकौड़े बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हो गया दोनों तरफ से, आंच मीडियम रखेंगे, ना तेज ना कम। तो इस तरीके से आंच को रखते हुए मुझे बनाना है। तो अब मैं इसे निकालती हूँ और सर्व कर लेती हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, ये तैयार है मसूर के दाल का प्याज का पकौड़ा। आप बेसन के साथ बनाती हैं एक बार, आप मसूर के दाल के साथ भी इसको बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों आपका भी कोई तरीका है प्याज के पकौड़े बनाने का तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे रेसिपी को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में
शेयर कीजिए आपके साथ प्यार और दुआ के जरूरत है मुझे, और मैं चाहती हूँ कि मैं और आगे जाऊँ और ये आपके बिना नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।